जय माता दी दोस्तों, माय स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं रवि शर्मा एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स के बारे में, जो कि पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इनको जो है कि हम जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आप इनको कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अगर भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का T20। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो डॉग का साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो दोस्तों डॉग का जो साइंटिफिक नाम होगा वो होगा कैनिस फैमिलियर्स, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं दोस्तों इसको याद कैसे रखना है। तो दोस्तों मान लो आपके रिलेटिव में कोई हैं, उनके पास आप गए और जैसे ही आपने उनके घर की जाकी बैल बजाई तो वहाँ पे उन्होंने एक डॉगी पाल रखा है और उसका नाम क्या है, कैन। तो जैसे ही आपने बैल बजाई तो वहाँ से क्या हुआ, कैन ने भौंकना चालू कर दिया। तो आप क्या कहोगे कि आप जैसे ही वो दरवाज़ा खुलें तो आप कहोगे कि जो कैन है वो काटता तो नहीं है? तो वो कहेंगे नहीं नहीं कैन है वो काटता नहीं, ये तो क्या है, फैमिलियर्स है, यानी जो हमारे साथ खेलता है गाड़ी में, हमारे साथ रहता है, ये फैमिलियर्स है। तो दोस्तों कैन है वो क्या है, फैमिलियर्स। ये देखो कैन है वो क्या होगा, फैमिलियर्स। तो जो डॉग का जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा कैनिस फैमिलियर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बफेलो का साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो बफेलो का जो साइंटिफिक नेम होगा वो हो जाएगा बोबलोस बोबलिस। अब बात करते हैं दोस्तों याद कैसे रखना है। तो दोस्तों बफेलो वो किस में रहती है, कीचड़ में, और जब वो कीचड़ में से बाहर निकल के आएगी तो उसमें से क्या आएगी, वो आएगी कि नहीं आएगी? तो ये क्या है, बफेलो वो कीचड़ में रहती है और उसमें से क्या आती है, बू। तो उससे हो जाएगा बोबलुस बोबलिस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि कैट का साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो कैट का जो साइंटिफिक नेम होगा वो हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं इसको याद रखने की। तो फेलिस यानी कि आपने देखा होगा कैट है वो क्या करती है, कोई भी उसको चीज़ दिखेगी जैसे मिल्क है या दही है तो क्या करेगी, या तो उसको खा लेगी और या फिर क्या करेगी, फैला देगी। तो ये क्या करती है, कैट हमेशा फैलाती है। तो फेलिस डोमेस्टिका यानी जो घरों में पाली जाती है तो डोमेस्टिका हो गई, और फेलिस यानी फैलाती है। तो कैट को जब भी देखेंगे, देखो आपको इसमें इमेज में दिख भी रहा होगा कैसे देख रही है, ये किसी भी चीज़ को कैसे देखती है, या तो ये इसको खा जाएगी या फिर फैला देगी। तो कैट क्या करती है, हमेशा फैलाती है। तो इसका हो जाएगा साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि काऊ का साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो दोस्तों जो काऊ का साइंटिफिक नेम होगा वो हो जाएगा बॉस टोरस इंडिकस, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको याद कैसे रखना है, हम कहते थे बचपन में कि गाय हमारी माता है, तो माता कौन होती है, बॉस। तो दोस्तों इंडिया में है वो क्या है, गाय, बॉस। क्योंकि जब भी हमारे घरों में खाना बनता है तो पहली जो रोटी बनती है वो किसकी बनती है, गाय की। तो जो बॉस हो गई कि नहीं हो गई, और दूसरी बात गाय हमारी क्या है, माँ। और माँ क्या होती है, हमारे घरों में बॉस होती है कि नहीं होती है? अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमारे घर की तो बॉस पापा हैं, तो पापा होंगे लेकिन कुछ जगह की बॉस माँ होती है, जैसे कि किचन, ठीक है दोस्तों। तो जो माँ होगी वो क्या होगी, बॉस। तो बॉस टोरस इंडिकस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुल का साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो दोस्तों हम जब पहले बोलते थे बचपन में कि गाय हमारी माता है, तो हमारा दोस्त क्या बोलता था, और हमको कुछ नहीं आता है तो दोस्त बोलता था कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो इसका भी जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बॉस प्रेमिजीनियस टोरस। अब बात करते हैं दोस्तों इसको याद कैसे रखना है। तो पापा भी क्या होते हैं, वो भी बॉस होते हैं घर के, लेकिन वो कैसे बॉस हैं, जीनियस, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को कब क्या चीज़ लानी है, किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। जो भी मतलब जीनियस तरीके से जो बॉस होता है वो कौन होता है, पापा जी। तो बात हो गई दोस्तों बुल की, तो बुल क्या हो जाएगा, बॉस प्रीमिजीनियस टोरस, ठीक है दोस्तों। तो ये बॉस तो है ही और जीनियस भी है, साथ में ये लिखा हुआ है जीनियस, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो दोस्तों जो क्रोकोडाइल होता है उसको बोलते हैं हम मगरमच्छ। तो इसका नाम तो दोस्तों सिंपल ही है, ये लिखा हुआ है क्रोकोडाइल, ठीक है दोस्तों। इसको याद करने की किसी ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कैमिलियंस का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो दोस्तों कैमिलियंस माने होता है गिरगिट। अब गिरगिट क्या करता है, रंग बदलता रहता है। तो इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल है,
ये देख रहे हो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्रोको दोस्तों, इसका जो हो जाएगा केमी लियोनिडाई, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है ये, तो आपको इसका नाम दिख रहा होगा इसके साथ में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या हुआ। तो दोस्तों इसका नाम बताने से पहले इसका जो ऑप्शन मैं पहले बता देता हूँ, जो टाइगर है और तेंदुआ है जिसको हम लेपर्ड बोलते हैं, और सिंह यानी शेर है जो लायन होता है, वो क्या तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि कौन सी है, पैंथेरा। दोस्तों इनके जो तीनों के जो नाम होंगे उनके जो पहले स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, पैंथरा से, क्योंकि ये पैंथरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों इनका जो नाम याद रखेंगे हम, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो उनके नाम में ही, साइंटिफिक नेम उनका नाम के भी उसके साथ में ऐड है, जैसे कि पैंथरा तो इनके स्टार्ट में तीनों के में ज़रूर होगा। अब बात करते हैं टाइगर के साइंटिफिक नेम की, तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है पैंथरा टिग्रिस, देखो दोस्तों पैंथरा इन तीनों के नाम के आगे पाया जाएगा। जो अगले क्वेश्चन है वो मैंने इसी हिसाब से लिए हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो दोस्तों लेपर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके सबसे फर्स्ट में क्या होगा, पैंथरा, तो दोस्तों पैंथरा देखो फिर लेपर्ड। अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है लेपार्डस, ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है पैंथरा लेपार्डस, तो दोस्तों ये लिखा हुआ है PARD और ये लिखा हुआ है PARD पार्डस, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं लायन का साइंटिफिक नाम क्या होगा। तो दोस्तों लायन माने क्या होता है, शेर यानी सिंह। अब दोस्तों इसका भी साइंटिफिक नेम स्टार्ट में क्या होगा, पैंथरा। अब बात करते हैं इसकी जो एंड होगा वो क्या होगा, सिंह राशि वालों ने जिनके भी नाम माँ से स्टार्ट होते हैं उनकी क्या होती है, राशि सिंह होती है, तो वो क्या होते हैं, लियो। तो पैंथरा लियो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है लियो, ठीक है। ये जो तीनों थे वो पैंथरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें इनका जो नाम है वो साइंटिफिक नेम में ज़रूर पाया जाता है दोस्तों, तो इससे याद रखना है, यही हमारी ट्रिक हो जाएगी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो दोस्तों अब हम इसको याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं, पहले इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका। अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखना है, तो दोस्तों एक कहानी इसके लिए हम बनाते हैं कि कोई इंसान है जो आपको इमेज में दिख रहा होगा वो क्या कर रहा है, बहुत मुस्कुरा रहा है बैठे बैठे, लेकिन एक मक्खी है वो क्या कर रही है, उसको देखा नहीं जा रहा उस पर, तो वो क्या कर रही है, उसको इंसान को परेशान करने लगी, ठीक है। और जब परेशान करने लगेगी तो इंसान ने क्या करा, जो मुस्कान थी वो छोड़ दी, मुस्कान छोड़ के और गुस्सा आ गया उसको, और वो मक्खी सोचने लग गया कि अब की बार मक्खी तू आ मैं तेरे को मारूंगा या कुछ भी हो जाए, और उसकी जो है मुस्कान है वो मक्खी ने छीन ली, और मक्खी मक्खी ने क्या हुआ कि मक्खी खुद मुस्कुराने लगी कि देखो इतने बड़े इंसान को मैंने कितना परेशान कर दिया। तो ये क्या करती है मक्खी, हमेशा मुस्कान छीनती है और खुद के चेहरे पर मुस्कान लाती है, तो इसकी जो मुस्कान से याद रखेंगे मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है दोस्तों। हाउस फ्लाई है तो घर में पाई जाती है, तो डोमेस्टिका तो हो ही जाएगा, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हम कैसे याद रखेंगे कि जो मक्खी होती है वो इंसान की मुस्कान छीन लेती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होगा। दोस्तों जो मेढक का साइंटिफिक नेम होगा वो होगा राना टिगराना। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखना है वो देखिए, मेढक क्या करता है, टिर टिर तो करता ही है, साथ में क्या करता है, रा ना 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 रा ना, करता है कि नहीं करता है ऐसे, तो मेढक का जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा राना टिगराना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि वियर का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो दोस्तों वियर माने होता है भालू, तो इसको दोस्तों हम याद कैसे रखेंगे वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम ऑप्शन टिक करेंगे। तो दोस्तों मान लो कि आपका कोई दोस्त है और उसने क्या पी ली, बियर। अब दोस्तों वो बियर अलग है पीने वाली और ये बियर माने भालू है, लेकिन उसको हमें इसी से रिलेटिव करते हैं कि बियर पी ली उसने तो वो क्या हो गया, नशे में। अब वो आपसे कह रहा है कि आपकी कार मांग रहा है कि मैं कार चलाऊंगा, कार दे दो, तो तुम क्या कहोगे। अब पी के कोई कार चलाएगा तो क्या करेगा, ठोकेगा, देखो दोस्तों देखो इसमें ऐसी हालत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ठोक देगा तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी ऐसी, तो तुम क्या करोगे, उसको कार नहीं दोगे। तो दोस्तों कार नहीं दोगे तो इसके जो ऑप्शन है डी, उसमें देखो ये लिखा हुआ है कार नहीं दो लिखा, तो दोस्तों और कुछ है लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी है वो उसका आंसर हो जाएगा, यूरेडाई कार ने डाई। तो दोस्तों जो कार नहीं दो लिखा हुआ है कि नहीं, कार नहीं डे, ठीक है, क्योंकि वो ठोक देगा और दिक्कत हो जाएगी इसलिए।
ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्रो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो दोस्तों टिक कर देते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी को। बात कर लेते हैं क्रो का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो जो क्रो होता है कोआ, उसकी भी दोस्तों हम ट्रिक याद करते हैं। दोस्तों मान लो कि आपके पास कोई बाइक है, सुंदर सी, मजबूत सी, टिकाऊ सी, तो दोस्तों वो कौन सी होगी? स्प्लेंडर, वही होती है सबसे मजबूत और टिकाऊ। अब वो तुमने नई स्प्लेंडर बाइक ली, और जैसे ही आप उसको घर से बाहर निकालते हो, खड़ी करते हो, तो जो ये कौवा है वो क्या करता है उस पर? बीट कर देता है। तो आप उसको, मतलब जब भी आपकी स्प्लेंडर बाइक बाहर निकलती है घर से, तो वो क्या करता है? बीट कर देता है। तो जैसे ही स्प्लेंडर बाहर निकली और कोई ने क्या कर दी? बीट। तो दोस्तों जो इस पे की जो एंड है साइंटिफिक नेम, उसमें लिखा हुआ है स्प्लेंडेंस। दोस्तों हम इसको स्प्लेंडर पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये स्प्लेंडेंस। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे टिक कर देते हैं, ये रहा नीचे स्प्लेंडेंस, ठीक है। तो जब भी आप, जैसे ही क्रो का साइंटिफिक नाम आएगा, तो आपको याद आनी चाहिए कि मेरे दोस्त पे जो स्प्लेंडर बाइक है उस पे क्या करता है? कोवा हमेशा बीट करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आंट का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि जो जो चींटी होती है उसके काटने से कौन सा एसिड निकलता है? फॉर्मिक एसिड। तो दोस्तों जिसका जो साइंटिफिक नेम है उसमें लिखा हुआ है फॉर्मिसिडाई। दोस्तों ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों टिक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो बैट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो दोस्तों बैट से हम याद रखेंगे, बैट से बैटमैन। दोस्तों बचपन में जो हमारा हीरो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? या तो बैटमैन या फिर शक्तिमान। अब बात करते हैं दोस्तों इसको याद कैसे रखना है। तो बैटमैन होता है चमगादड़, और बैट माने बैटमैन जो हमारा, और बैटमैन कौन होता है? हमारा हीरो। तो दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है उसमें लिखा हुआ हीरो। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चिरो पटेरा। दोस्तों जो इसको बात याद रखेंगे हम कैसे रखेंगे, जो हीरो है वो बीच में आया हुआ है, क्योंकि हमारा जो बैटमैन होता है वो क्या होता है? हीरो होता है कि नहीं? बचपन में दो ही तो हीरो हुआ करते थे, या तो शक्तिमान या बैटमैन, ठीक है। दोस्तों देखो बचपन की चीज़ें जो हमारे हैं वो कितने काम आ रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो एलिफेंट है जो दोस्तों, उसको हम क्या बोलते थे? हाथी, हमारा साथी। यानी एलिफेंट को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आइडिया आना चाहिए? दोस्तों ये लिखा हुआ है आइडिया, और एलिफेंट को देख के क्या आइडिया आता है? तो तीनों चीज़ इसमें दिखाई दे रही हैं, आइडिया, एलिफेंटडाई। तो दोस्तों इसको हम याद रखेंगे, एलिफेंट है वो हमारे दिमाग में कैसे आइडिया आना चाहिए एलिफेंट को देखते ही? हाथी हमारा साथी, यानी एलिफेंट है वो हमारा क्या होता है? साथी। तो एलिफेंट का जब भी साइंटिफिक नाम पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि एलिफेंट है हमारा क्या है? साथी। दोस्तों आइडिया भी आएगा, और दोस्तों ये देखो लिखा हुआ है आइडिया, तो यहाँ पे भी आइडिया और एलिफेंट को देख के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो है डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो डॉल्फिन है वो तो दोस्तों सिंपल है, डॉल्फिन आइडाई डॉल्फिस। तो दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद करने की किसी ट्रिक की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रेलवे महाकुंभ T10 खेलें रोजाना का नया एपिसोड मैं लेके आने वाला हूं, जिसमें आप पुराने वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि रैबिट का साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो रैबिट का जो साइंटिफिक नाम होगा दोस्तों, पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसको याद कैसे रखना है, और एक तो लेगस कूनिकुलस। तो दोस्तों जो रैबिट होता है वो कैसा होता है? प्यारा सा, क्यूट सा, सुंदर सा, वाइट सा, और वाइट क्या होती है? आइस, और आइस कैसी होती है दोस्तों? कूल। तो ये लिखा हुआ है कूलस। तो रैबिट का जो साइंटिफिक नाम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? कूनिकुलस। दोस्तों ये लिखा हुआ है कूलस, जिससे कि जैसे ही रैबिट का साइंटिफिक नाम पूछा जाएगा आप क्या याद आएगा? प्यारा सा, क्यूट सा, सुंदर सा, वाइट सा रैबिट होता है वो कैसा होता है? कूल, यानी कि आइस की तरह। दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज के 2020 के
अंतिम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि जिराफ का साइंटिफिक नाम क्या होगा। दोस्तों जिराफ का जो साइंटिफिक नाम होगा वो काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी जिराफा फॉरिडस। तो दोस्तों जैसे ही जिराफ का साइंटिफिक नाम आएगा आपके दिमाग की है जो बेल आइकॉन बज जानी चाहिए कि जिराफ है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल नाम है उसका जिराफा फॉरिडस। तो दोस्तों आज का 2020 यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो भी पढ़ाई से रिलेटिव आपका ग्रुप हो उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल से जुड़ें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।